हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि वेयरहाउस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि वेयरहाउस नंबर हो गया, स्टोरेज टाइप हो गया, स्टोरेज सेक्शन एंड बिन टाइप एंड बिन्स हमने क्रिएट कर लिया था। तो अगर आपने वो वाला क्लास, पिछले वाले क्लास अगर आपने मिस किया है तो आप आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट विल हेल्प मी अ लॉट एंड हेल्प अदर्स अ लॉट। तो आज के क्लास में हम जानने वाले हैं पुट अवे प्रोसेस क्या होता है और पुट अवे प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं WM के अंदर। तो वो सारा प्रोसेस हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ने से पहले, कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले आपके लिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो है क्वांट के बारे में है। तो क्वांट क्या होता है? क्वांट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है मटेरियल एंड मटेरियल क्वांटिटी के लिए, और क्वांट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा एंड ऑटोमेटिकली डिलीट भी होगा बाय द सिस्टम। तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा एंड डिलीट होगा जब भी आप मटेरियल वहाँ पे रिसीव करेंगे। सपोज आप गुड्स रिसीव करते हैं तो बिन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जब आप कोई भी मटेरियल को लेके बिन के अंदर डालोगे तो क्वांट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा एंड क्वांट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा वंस आप उसको बाहर निकाल रहे हो। फ्रॉम स्टोरेज बिन टू बाहर आप निकाल रहे हो तो वहाँ पे आपका जो क्वांट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बनाना नहीं है और डिलीट नहीं करना है, डायरेक्टली ये बाय द सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वेयरहाउस नंबर का, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखा था, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल का सबसे जो टॉप लेवल है हमारे WM के मॉडल पे वो है वेयरहाउस नंबर। तो जो भी हमारा वेयरहाउस नंबर हमने देखा था वो हमारा टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। तो यहाँ पे ये जो हमारा वेयरहाउस नंबर है ये हमारा स्टोरेज लोकेशन एंड प्लांट के साथ असाइन किया जाता है, और एक वेयरहाउस को आप मल्टीपल प्लांट्स एंड स्टोरेज लोकेशन के साथ असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लांट्स एंड वेयरहाउसेस नज़दीक में हो तो ही आपको फ़ायदा है, एक वेयरहाउस के अंदर सारा जो प्लांट है वो असाइन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो है पुट अवे प्रोसेस किसको बोलते हैं? मटेरियल का स्टोरेज करने की टेक्निक को, जैसे आप GR का प्रोसेस करते हो, अगर आपने MM का मॉड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, तो अगर आपने जो गुड्स रिसीव कर रहे हो, सपोज माइगो में गुड्स रिसीव कर रहे हो, जैसे GR का प्रोसेस होता है, GR का प्रोसेस करने के बाद जो हमारा वेयरहाउसिंग के सिस्टम में आता है, हम वो मटेरियल को रखते हैं एक स्टोरेज बिन के अंदर, उसको हम बोलते हैं पुट अवे प्रोसेस। पुट अवे मतलब पुट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं, GR की प्रोसेस को बोलते हैं पुट अवे प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो है पिकिंग का प्रोसेस। पिकिंग यानी कि ये मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस होता है। जब भी आप GI करोगे कोई भी केस के लिए, कोई भी कॉल सेंटर के लिए, कोई भी सपोज आप परचेज ऑर्डर के लिए, डिलीवरी के लिए, या फिर आप अगर सेल्स ऑर्डर के लिए कोई भी मटेरियल रिमूव करते हो, मटेरियल इशू करते हो, तो वो जाता है आपका पिकिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा जो WM है, WM में दो प्रोसेस अलग अलग है, एक GR के लिए जैसे पुट अवे का प्रोसेस होता है, एक पिकिंग का प्रोसेस होता है। तो आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे पुट अवे के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पिकिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट क्या होता है? नॉर्मली स्टोरेज यूनिट जिसपे आप मटेरियल को स्टोर करके रखोगे, जैसे बॉक्स हो गया, टैंकर हो गया, जिसके अंदर आप क्या करोगे मटेरियल को स्टोर करके रखोगे, उसको बोला जाता है स्टोरेज यूनिट। तो नेक्स्ट जो होता है वो है हैंडलिंग यूनिट। हैंडलिंग यूनिट क्या होता है? ये बेसिकली ये क्या होता है, मटेरियल एंड पैकेजिंग यूनिट। सपोज जैसे कि आपका कोई भी आपका मटेरियल आता है, जैसे सपोज आपका घर में अगर गैस यूज हो रहा होगा, जो टैंक वाला जो गैस आता है, सिलेंडर वाला जो गैस आता है, अगर वो गैस यूज हो रहा होगा, तो नॉर्मली गैस जो होता है वो मटेरियल होता है, और उसका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है तो वो पैकेजिंग मटेरियल हमारा जो सिलेंडर होता है वो होता है। तो ये जो हैंडलिंग यूनिट होता है ये दोनों को मिलाने के बाद, गैस एंड जो उसका सिलेंडर, दोनों को मिला के हम बोलते हैं हैंडलिंग यूनिट।
राइट। तो सिमिलरली आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैंडलिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट आप देख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा हैंडलिंग यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोरेज यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है, याद रखना है यानी कि आपको जानकारी के लिए ईजी रहेगा कि स्टोरेज यूनिट क्या होता है, हैंडलिंग यूनिट क्या होता है, पिकिंग क्या होता है, पुट अवे प्रोसेस क्या होता है। इसी के ऊपर आपका जो, अगर आप कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस आता है उसी में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से, तो हम पहले से ही यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए और इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आगे चल के इसके ऊपर सारा जो डिटेल्स है आपको जानना है ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली हमारा था कुछ पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपको क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले SPRO। SPRO से हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से हमको वेयरहाउस मैनेजमेंट। वेयरहाउस मैनेजमेंट से हमको जाना पड़ेगा मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में हमने स्टोरेज बिन तक कंप्लीट कर लिया था, आज हमको देखना है मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखना है, सबसे पहले जो है डिफाइन स्टोरेज यूनिट टाइप। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पोजीशन में जाते हैं और अपना वेयरहाउस नंबर जो है W01 हम दे देते हैं। तो W01 में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। तो आपको जो वाले स्टोरेज यूनिट यहाँ पे चाहिए आप रख सकते हैं, बाकी वाले आप डिलीट कर सकते हैं, या आपको नया वाला चाहिए तो आप यहाँ पे नया वाला क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे BX1 स्टोरेज यूनिट टाइप जो है वो स्मॉल बॉक्स के लिए है, यहाँ पे BX2 जो है वो मीडियम बॉक्स के लिए है, BX3 जो है वो बिग बॉक्स के लिए, बिग साइज का बॉक्स के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे E1 जो है वो, यहाँ पे एक पैलेट जो है वो 1 मीटर हाइट वाला है। सिमिलरली यहाँ पे E2 जो है वो हाइट 2 मीटर वाला है। एंड यहाँ पे सपोज IP जो है वो इंडस्ट्रियल पैलेट है, एंड सपोज TK जो है वो टैंक पैलेट है। यहाँ पे 1000 लीटर का जो लिक्विड आइटम है हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो SUT होता है यानी कि स्टोरेज यूनिट टाइप होता है वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम इसको असाइन कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल को हम कहाँ पे रखना चाहते हैं वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो आगे आगे हम जानेंगे इसको हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, कहाँ पे मेंटेन करेंगे, तो वो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी अगर आपको यहाँ पे नया क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग है वही वाला यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है स्ट्रैटेजीज में। स्ट्रैटेजी में यहाँ पे सबसे पहला है एक्टिवेट स्टोरेज टाइप सर्च। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको डिटरमाइन सर्च सिक्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयरहाउस नंबर, सपोज यहाँ पे पोजिशन में जाते हैं और यहाँ पे हम W01 ले लेते हैं और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप W01 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए यानी कि स्टॉक रिमूवल के लिए, ई यानी कि पुट अवे के लिए, और टू यानी कि टू स्टेप पिकिंग के लिए होता है। तो नॉर्मली हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सारे ऑपरेशन जो है वो मेंशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो है वो किसके लिए यहाँ पे लिया गया है। तो सपोज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सपोज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम देख लेते हैं यहाँ पे W01 एंड A का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन टाइप A यानी कि ये पिकिंग का प्रोसेस होता है, स्टॉक रिमूवल यानी कि पिकिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ए के साथ आपका जो यहाँ पे असाइन है, जो ये पहला वाला स्टोरेज टाइप है वो 035 असाइन है, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो W01 ए के साथ यहाँ पे स्पेशियल इंडिकेटर जो है वो क्यू है। तो यहाँ पे आप स्पेशियल इंडिकेटर भी चेक कर सकते हैं, क्यू यानी कि स्टॉक इन क्वालिटी कंट्रोल, आर यानी कि रिटर्न स्टॉक, एंड एस यानी कि ब्लॉक स्टॉक।
तो ये बेसिकली जो है ये स्टॉक रिमूवल के लिए है। जब हम स्टॉक पिकिंग के लिए देखेंगे उस टाइम में देख लेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक पुट अवे कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं W01, एंड यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो ई है। ई यानी कि आपका जो पुट अवे प्रोसेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके लिए स्टोरेज यूनिट टाइप जो है, स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे 001 एंड 002 असाइन है। तो आप जब भी कोई भी पिकिंग सॉरी कोई भी पुट अवे करोगे तो आपका मटेरियल जो है सबसे पहले ये 001 में जाके रहेगा। अगर 001 में कोई भी एरिया खाली नहीं होगा तो वो 002 में जाके प्लेस होगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये आपका जो कौन सा स्टोरेज बिन यहाँ सॉरी कौन सा स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे आप रख सकते हैं वो आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो है उसी के साथ ही जा रहे हैं। तो अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाके, या तो फिर आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग को, कॉपी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना जो स्टोरेज टाइप है यहाँ पे आप उसको असाइन कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको टी कोड याद रखना है। टी कोड जो है वो OMLY का टी कोड है। तो OMLY पे हम स्टोरेज टाइप सर्च का जो है यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमको बैक चलना है। बैक जाके हमको एक्टिवेट स्टोरेज सेक्शन सर्च में जाना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं डिफाइन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OMLZ जो है इसका टी कोड है। तो OMLZ पे आपको क्या करना है, स्टोरेज सेक्शन का जो सर्च है वो आपको देना है। तो यहाँ पे हम डिफाइन में जाते हैं। डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पे हम पोजीशन में जाते हैं और अपना वेयरहाउस नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज सेक्शन इंडिकेटर जो है 001 जो है वो फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए है और 002 जो है वो स्लो मूविंग आइटम्स के लिए है। तो यहाँ पे हमारा दो टाइप का जो स्टोरेज सेक्शन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, 001 एंड 002 का। तो अगर आपका स्टोरेज सेक्शन इंडिकेटर जो है वो क्रिएटेड नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। आप डिफाइन पे आके न्यू एंट्रीज पे जाके सिर्फ यहाँ पे जो स्टोरेज सेक्शन का इंडिकेटर है उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी आपको डिटरमाइन सर्च सिक्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयरहाउस नंबर। तो सपोज हम अपना वेयरहाउस नंबर पे जाएंगे, 001 स्टोरेज टाइप जो है हमने लिया था 001, एंड यहाँ पे हम बाकी सारा ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने अभी स्टोरेज एरिया इंडिकेटर अभी लिया था 001 एंड 002, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 001 के साथ 001 जो स्टोरेज टाइप है उसके साथ जो स्टोरेज आईडी है वो है 001, और यहाँ पे जो फर्स्ट आपका स्टोरेज टाइप रहेगा, स्टोरेज सेक्शन रहेगा वो रहेगा 001, और नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा 002। सिमिलरली यहाँ पे 001 एंड 002 के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले 001 एंड 002 सेम कॉम्बिनेशन पे रहता है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो कॉम्बिनेशन अलग कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे सपोज 002 पहले लेना चाहते हैं और उसके बाद जो है 001 लेना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज सेक्शन सर्च जो है ये कंप्लीट हो गया है। बेसिकली हम ये जो सर्च दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, ताकि आप जब टीओ क्रिएट करें, जब भी आप टीओ क्रिएट करें ऑटोमेटिकली आपका जो डेस्टिनेशन बिन है, जो डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका मटेरियल जाएगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली सर्च होके सिलेक्ट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे जो ये सर्च हम अपना स्टोरेज टाइप के लिए एंड स्टोरेज सेक्शन के लिए सर्च दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी हमको नेक्स्ट जाना है एक्टिवेट बिन टाइप सर्च पे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर आपको असाइनमेंट पे जाके यहाँ पे स्टोरेज यूनिट टाइप पे स्टोरेज टाइप पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप जैसे हमारा 001 था एंड हमारा स्टोरेज टाइप जो है 001 था,
तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से जो बिन टाइप है वो अलाउड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो E1 है, उसके बाद जो है E2 है, उसके बाद जो है IP है, उसके बाद BX1 है। तो अगर आप कोई भी मटेरियल सबसे पहले, तो आप सबसे पहले अगर कोई भी यहाँ पे स्टोरेज यूनिट टाइप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो उसका जो सपोज हायरार्की है या फिर जो आपका फ्लो है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सपोज आपको सबसे पहले जो है वो छोटे छोटे बॉक्स में रखना है, तो आप यहाँ पे BX1 भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बॉक्स सेक्शन में लेना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट जो है यहाँ पे अलाउ किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस नंबर एंड स्टोरेज जो आपका स्टोरेज टाइप के कॉम्बिनेशन पे जो यहाँ पे असाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टोर है उसके हिसाब से यहाँ पे 001 के साथ E1, E2, IP, BX1, BX2 एंड BX3 अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे हम बस यही जो स्टोरेज बिन टाइप है, यही बिन टाइप हम सिर्फ इस स्टोरेज टाइप के लिए अलाउड है। अगर हम इससे अलग कोई स्टोरेज बिन टाइप ले रहे हैं तो हमको उसके लिए दूसरा जो स्टोरेज टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टोरेज बिन टाइप पे क्लिक करना है। स्टोरेज बिन टाइप में यहाँ पे आप कौन से यूनिट टाइप के साथ, जैसे स्टोरेज यूनिट टाइप यहाँ पे है, तो स्टोरेज यूनिट टाइप के साथ आप कौन से स्टोरेज बिन टाइप को यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोजिशन में जाते हैं, वेयरहाउस नंबर पे W01 पे जाते हैं, और यहाँ पे स्टोरेज यूनिट टाइप सपोज हमारा जो है कौन सा था, स्टोरेज यूनिट टाइप सपोज हम E1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो W01 के साथ E1 जो स्टोरेज यूनिट टाइप है उसके साथ हमने क्या किया है, स्टोरेज जो आपका स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज बिन टाइप जो है यहाँ पे E1 एंड E2, B1, P1 एंड B1 हमने लिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कौन से स्टोरेज बिन को, स्टोरेज बिन टाइप को कौन से स्टोरेज यूनिट टाइप के साथ असाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी हमको जाना है एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज पे यहाँ पे जाना है हमको ट्रांसफर्स में। तो यहाँ पे हमको जाना है डिफाइन ट्रांसफर रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज हम पोजीशन में जाते हैं और W01 में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट टाइप है, और वो रिक्वायरमेंट टाइप के हिसाब से यहाँ पे कुछ फील्ड नेम मेंशन है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, सपोज जब भी आप क्या करोगे, कोई TR क्रिएट करोगे, तो जब भी आप कोई भी TR क्रिएट करोगे, सपोज ऑटोमेटिकली हमारा TR क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो फील्ड नेम है, सपोज हम यहाँ पे देखते हैं परचेज ऑर्डर, बी जो रहता है रिक्वायरमेंट टाइप बी रहता है परचेज ऑर्डर के लिए, डी रहता है स्टोरेज बिन के लिए, एफ रहता है ऑर्डर यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, और के रहता है कॉस्ट सेंटर के लिए, एल रहता है सेल्स डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे परचेज ऑर्डर के लिए MSEG एंड EBELN, तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये परचेज ऑर्डर का नंबर होता है। तो यहाँ पे जब भी आप क्या करोगे, कोई परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आप GR कर रहे हो, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर का जो नंबर रहेगा, जो भी परचेज ऑर्डर का नंबर रहेगा, वही नंबर ही आपका जो इंटरिम बिन जो है वो बिन में आ जाएगा। वो हम देखेंगे जब हम क्रिएट करेंगे, उस टाइम में देखेंगे कैसे ये होता है, वो हम देख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये परचेज ऑर्डर को ही आपका जो स्टोरेज इंटरिम जो स्टोरेज टाइप होता है, इंटरिम जो स्टोरेज टाइप होता है उस पे ये इसका नंबर को कन्वर्ट करता है या फिर यूज करता है। तो यही वाले फील्ड्स जो है वो यूज करता है इंटरिम स्टोरेज टाइप बनाने के लिए। तो हम जब इसका बनाएंगे, जब टेस्ट केस देखेंगे, उस टाइम में हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन शिपमेंट टाइप। तो यहाँ पे शिपमेंट टाइप पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हम वेयरहाउस नंबर W01 में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेयरहाउस नंबर W01 है उसका शिपमेंट टाइप ए है, और यहाँ पे जो उसका प्रोसेस है
वो है स्टॉक रिमूवल के लिए, ई यानी कि स्टॉक प्लेसमेंट के लिए, यू यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर पोस्टिंग चेंज के लिए जो हमारा स्टॉक ट्रांसफर के लिए रहता है, और यहाँ पे एक्स यानी कि वेयरहाउस सुपरवाइजर के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप इतने टाइप का जो है शिपमेंट टाइप आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओनली हम यूज करते हैं जब भी हमको कोई रिपोर्टिंग के पर्पस पे चाहिए होता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको मेंटेन करते हैं। इसका हमारा कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिफाइन मूवमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सपोज हम अपने वेयरहाउस नंबर W01 में जाते हैं, और यहाँ पे मूवमेंट टाइप सपोज ये 101 का जो मूवमेंट टाइप है हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये जो मूवमेंट टाइप है ये वेयरहाउसिंग का मूवमेंट टाइप है, और यहाँ पे गुड्स रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर 101 के लिए है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट टाइप जो है वो 101 है, और यहाँ पे आपका जो सोर्स जो आपका यहाँ पे बिन है वो 902 यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आपका सोर्स जो है इंडिकेटर जो है डायनामिक सोर्स बिन वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे स्क्रीन कंट्रोल में सपोज यहाँ पे टीओ क्रिएशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टीओ क्रिएशन जो है प्रिपरेशन स्क्रीन फॉर स्टॉक प्लेसमेंट इनटू स्टॉक, एंड अगर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करते हैं तो प्रिपरेशन फॉर स्टॉक रिमूवल के लिए होता है, अगर 3 सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल आइटम स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे टीओ कन्फर्मेशन के लिए 1 दिया गया है, तो टीओ कन्फर्मेशन के लिए अगर आप यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट स्क्रीन विथ क्वांटिटीज रेडी फॉर इनपुट यानी कि पुट अवे के लिए, और अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉक रिमूवल के लिए रहेगा, और अगर आप यहाँ पे ब्लैंक लेते हैं तो विदाउट एनी इनपुट ऑप्शन के लिए रहेगा। तो हमारा यहाँ पे 1 है यानी कि हमारा यहाँ पे पुट अवे प्रिपरेशन के लिए है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे शिपमेंट टाइप जो है स्टॉक प्लेसमेंट के लिए है, और रिक्वायरमेंट टाइप जो है वो बी है यानी कि परचेज ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे प्रिंट कोड जो है वो 01 है यानी कि सिंगल प्रिंट, टीओ आइटम के लिए सिंगल एक ही टाइम आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक पीओ बनाना चाहें यानी कि जब भी आपका पीआर क्रिएट होता है टीआर क्रिएट होता है उसके साथ ही आपका टीओ क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक टीओ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक टीओ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे कन्फर्मेशन में टीओ आइटम कैन बी कन्फर्म्ड इमिडिएटली अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जब भी टीओ आप सेव करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो टीओ कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनुअल टीओ क्रिएशन इज नॉट अलाउड, मतलब आप यहाँ पे मैनुअली टीओ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये इंडिकेटर उसके लिए होता है अगर आप इसको अनसिलेक्ट करते हैं तो मैनुअली आप ये 902 डेस्टिनेशन बिन के लिए सोर्स बिन के लिए आप यहाँ पे टीओ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है जीआर डेटा इन क्वांट। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका क्या होगा, जो क्वांट लेबल पे आपका जो जीआर का डेट और जीआर का नंबर जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो सेव हो जाएगा आपका क्वांट लेवल पे। वो देखेंगे हम कैसे सेव होता है, वो हम देखेंगे इन द प्रोसेस। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी हमको नेक्स्ट जाना है इंटरफेसेस में। तो इंटरफेसेस में हमको जाना है इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से हमको जाना है डिफाइन मूवमेंट टाइप पे, और यहाँ पे हमको सबसे पहले जाना है असाइन W1 मूवमेंट टाइप रेफरेंस टू IM मूवमेंट टाइप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो मूवमेंट टाइप है, ये नॉर्मली हमारा IM का मूवमेंट टाइप है, और ये जो रेफरेंस मूवमेंट टाइप है ये WM का मूवमेंट टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज हम ये वाला देखें 101, यहाँ पे जी आर गुड्स रिसिप्ट के लिए है, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू अपडेट और क्वांटिटी अपडेट दोनों ही सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जो आपका मूवमेंट इंडिकेटर है वो बी है। बी यानी कि परचेज ऑर्डर के लिए होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बी यानी कि गुड्स मूवमेंट फॉर परचेज ऑर्डर, यहाँ पे एफ यानी कि मूवमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं या फिर फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रेफरेंस मूवमेंट टाइप है वो 101 है। तो अभी हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, LEWM इंटरफेस टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप सेम जो भी हमारा हमने लिया था वेयरहाउस नंबर सपोज W01 एंड यहाँ पे
जो मोमेंट टाइप है वो 101 है, सपोज हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 के साथ यहाँ पे आपका जो मोमेंट टाइप है वो बी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मोमेंट टाइप यानी कि आईएम का जो मोमेंट टाइप है वो यहाँ पे 101 है। तो यहाँ पे रेफरेंस मोमेंट टाइप यानी कि जो 101 का हमने आईएम पे लिया था वो यहाँ पे डब्ल्यूएम का 101 मोमेंट टाइप पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ट्रांसफर रिक्वायरमेंट यानी कि यहाँ पे जो टीआर है, टीआर क्रिएट रिक्वायरमेंट है, जो ट्रांसफर रिक्वायरमेंट क्रिएट है वो एक्स है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट क्रिएट ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, क्रिएट ए ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, कैंसिल द एग्जिस्टिंग ट्रांसफर रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मली आपका अगर यहाँ पे एक्स है तो जब भी आपका ये 101 मोमेंट टाइप होगा उसके साथ आपका WM का 101 मोमेंट टाइप ट्रिगर होगा, उसके साथ आपका TR जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इमीडिएट TO क्रिएशन के लिए A दिया हुआ है, तो इमीडिएट TO क्रिएशन जो है वो ए यानी कि स्टार्ट ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएशन इन द बैकग्राउंड है। अगर आपको एक्स अगर आप लेते हो तो कॉल ट्रांजेक्शन टू क्रिएट टीओ फॉर मटेरियल डॉक्यूमेंट, तो मटेरियल डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक टीओ के लिए जनरेट करने के लिए देगा। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक लेते हैं तो आपका कोई भी टीओ क्रिएशन के लिए नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है मेल कंट्रोल फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। तो जब भी आपका बैकग्राउंड में अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आप ए ले रहे हैं यानी कि बैकग्राउंड में प्रोसेस होगा, तो जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा किसके पास मेल जाएगा उसके लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा मेल हमारा ऑलरेडी सेट है यहाँ पे ए के लिए, यानी कि हमारा मेल जो है जो डॉक्यूमेंट यूजर रहेगा, सॉरी हमने मेल जो है वो कॉन्फ़िगर किया था मेरे यूजर आईडी के लिए। तो जब भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये एक मेल चला जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जो भी मेरा यूजर आईडी में जो भी ईमेल रहेगा वहाँ पे चला जाएगा। तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो हमारा जो पुटअवे के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमको टेस्ट सिनेरियो जो है वो करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है मटेरियल मास्टर लेवल में थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करना है, थोड़े से जो है हमको डेटा जो है वो मेंटेन करना है, और उसके बाद हमको पीओ क्रिएट करना है। पीओ क्रिएट करने के बाद हमको जो है एक जीआर क्रिएट करना है, और जीआर क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है टीआर जनरेट हो रहा है कि नहीं, और TR2 TO हमारा क्रिएट हो रहा है कि नहीं वो हमको देखना है। तो अभी हम चलते हैं मटेरियल मास्टर की स्क्रीन पे। तो सपोज हम जाते हैं MM01 में, तो जो भी मटेरियल हमारा रहेगा यहाँ पे, सपोज हम ये वाला मटेरियल ले लेते हैं, और ये वाला मटेरियल में आपको कौन से वाले व्यू मेंटेन करना है, आपको ओनली यहाँ पे Warehouse 1 एंड Warehouse 2 के डेटा मेंटेन करना है। तो सपोज आप यहाँ पे W110 और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है आपको WMS 2 के लिए सपोज लेना है, और यहाँ पे वेयरहाउस नंबर सपोज आप ले रहे हैं W01, और यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हम इसको ओके करते हैं। तो आपको यहाँ पे वेयरहाउस मैनेजमेंट पे स्टोरेज टाइप सपोज आप यहाँ पे 001 ले लीजिए। हमने ऑलरेडी जो हमारा वेयरहाउस नंबर जो हमारा स्टोरेज लोकेशन जो WMS 1 है उसके लिए हमने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। हम बस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन सा वाला फील्ड आपको यहाँ पे लेना है और कैसे लेना है। तो सपोज यहाँ पे आपको WM का यूनिट आपको मेंशन करना है, सपोज यहाँ पे KG ऑलरेडी मेंशन है जो बेस यूनिट ऑफ मेजर है, तो आपको यहाँ पे जो WM का यूनिट है, WM में आप कैसे मैनेज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजर लेना है। तो अगर आप यहाँ पे सपोज कोई दूसरा यूनिट ऑफ मेजर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे कन्वर्शन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि हम सपोज यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है वो KG में है और WM का यूनिट जो है वो पीस पे है, तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा कि एक पीस जो है वो कितना KG है, या फिर 1 KG जो है वो कितना पीस में है, वो आपको
मेंटेन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन इंडिकेटर जो है 001 हमने यहाँ पे लिया है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन इंडिकेटर जो है हमने 001 के हिसाब से क्रिएट किया था, तो इसके लिए हम इसको ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वेयरहाउस मैनेजमेंट 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे पैलेटाइजेशन का डेटा यहाँ पे मेंटेन करना है। तो सपोज यहाँ पे मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं आप स्टोरेज यूनिट टाइप, जैसे BX3 में कितना ले सकते हैं और BX2 में कितना ले सकते हैं और BX1 में कितना क्वांटिटी ले सकते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेंशन करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। तो अभी हम जाते हैं /n ME21n में। तो यहाँ पे सपोज हम ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग एक परचेज रिक्विजिशन है हम उसी को ले रहे हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना परचेज ऑर्डर डाल वेंडर डाल देते हैं। तो जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन WMS1 हम ले लेते हैं। टैक्स कोड डालना पड़ेगा। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो PO है ये सेव हो गया है अंडर द नेम 17152 विथ एंडिंग। तो यहाँ पे हम /n MIGO में जाते हैं और अभी हम यहाँ पे जो है गुड्स रिसीव करते हैं परचेज ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे 152 हम ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑलरेडी हमारा जो WM का एक टैब है वो आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर टैब में जो हमारा स्टोरेज लोकेशन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम बस इसको सिलेक्ट करते हैं आइटम ओके और इसको चेक कर देते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। अभी हम इसको डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप WM के टैब में आएंगे तो WM के टैब में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मोमेंट टाइप जो है वो 101 यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिगर हुआ है जो हमारा WM का मोमेंट टाइप है। और अगर आपको IM का जो मोमेंट टाइप है वो अगर देखना है तो आप यहाँ पे वेयर टैब में देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे आपका IM का मोमेंट टाइप दिखेगा, यहाँ पे जो मोमेंट टाइप है वो WM का मोमेंट टाइप है, और यहाँ पे वेयरहाउस नंबर जो है W01 है, स्टोरेज टाइप जो है 902 है जो कि हमने लिया था हमारे सर्च टाइप सर्च स्ट्रेटेजी में जो भी हमने लिया था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। और यहाँ पे स्टोरेज बिन जो है मैंने जो आपको बताया था कि स्टोरेज बिन जो इंटरिम बिन क्रिएट होगा वो कहाँ से क्रिएट होगा, वो PO नंबर जो भी रहेगा वो PO नंबर को स्टोरेज बिन क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टोरेज बिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है एज ऑन PO नंबर। तो यहाँ पे TR नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, TR नंबर जो है 1001 TR नंबर ऑलरेडी जनरेट हुआ है। और यहाँ पे हम अगर ये TR को TO में कन्वर्ट करने के लिए चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं LT04 में। तो LT04 में आपको वेयरहाउस नंबर देना है और यहाँ पे आपको TR का नंबर देना है, और यहाँ पे एक्टिवेट आइटम को सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में सिस्टम गाइडेड को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो सिंबल है या फिर रेडियो आइकॉन है पुट अवे इन फोरग्राउंड का, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ रहा है, जैसे कि स्टोरेज यूनिट टाइप जो है BX2 यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है। और यहाँ पे अगर आपको कंफर्म यहीं से करना है तो आप यहाँ पे कंफर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो फ्रॉम स्टोरेज टाइप यानी कि ये हमारा जो सोर्स स्टोरेज है 902, एंड जो आपका स्टोरेज बिन है ये हमारा ओनली जो PO नंबर है उसी को सिलेक्ट किया है, और डेस्टिनेशन में जो है 001, एंड ये हमारा बिन टाइप जो है स्टोरेज बिन जो है ये 010101 का कोऑर्डिनेट पे हम इसको रख सकते हैं। तो अभी अगर इसको हम एंटर कर लेते हैं
तो ये हमारा टीओ जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे इसके डिस्प्ले में जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टीओ है वो यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है क्या, और यहाँ पे कंफर्मेशन का जो टैब है यहाँ पे आपको ऑलरेडी कंफर्म दिखा रहा है। आप इसका टी कोड जो है वो देख सकते हो, LT21 में आप जाके डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी ट्रांसफर ऑर्डर आपका क्रिएट हो गया होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम इसको, ये जो हमारा ट्रांसफर ऑर्डर है, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा LT31 में। तो हम यहाँ पे जो अपना वेयरहाउस नंबर है और जो टीओ नंबर है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे प्रिंट कोड में आपको 01 देना है, और प्रिंटर में सपोज हम लॉजिकल प्रिंटर ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑर्डर पे जाना है मेन्यू बार से, और यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा वाला कोई इश्यूज आता है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है OMLVT कोड में, और यहाँ पे आपको वेयरहाउस नंबर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना जो वेयरहाउस नंबर है W01 है उसके अंदर जाना है, और ये वाला जो प्रोग्राम है इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये हमारा प्रिंट जो है यहाँ पे हो गया है। तो अभी हमारा जो है प्रिंट जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक देखना है तो उसके लिए आप जा सकते हो /LS26 में जा सकते हो। तो LS26 पे जब भी आपका TR जनरेट होता है वहाँ पे भी आप जाके स्टॉक ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, और जब आपका TO कंफर्म होता है उसके टाइम पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लांट है W110 है, स्टोरेज लोकेशन WMS1 है, और यहाँ पे जो आपका स्टोरेज टाइप है वो 001 है, और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप का डिस्क्रिप्शन है वो है हाई रैक स्टोरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपका पुट अवे के लिए कोई और मटेरियल होगा, सपोज जैसे कि आपने टीओ को कंफर्म नहीं किया है, तो यहाँ पे स्टॉक फॉर पुट अवे यहाँ पे आपका रहेगा। अगर आपका कोई यहाँ पे GI होना है तो यहाँ पे आपका पिक क्वांटिटी में यहाँ पे आपका दिखाएगा। तो नॉर्मली तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बिन स्टॉक में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको ये LS03N में लेके आ जाएगा। तो LS03N में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बिन का स्टोरेज यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पे अगर हम क्वांट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर हम इसको सिलेक्ट करके क्वांट के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्वांट का डिस्प्ले जो है यहाँ पे LS23 का उसका टी कोड है, क्वांट आपका डिस्प्ले कर सकते हैं। तो क्वांट आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वांट का जो नंबर है ये 1000003 का नंबर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं GR का डेट और GR का नंबर, यहाँ पे ये जो मटेरियल जो हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट का नंबर है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये होता है हमारा पुट अवे का प्रोसेस, यानी कि जब हम GR करते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है हमारे वेयरहाउसिंग के मॉड्यूल पे, और वेयरहाउसिंग में हमको क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करना करना होता है कोई भी पुट अवे प्रोसेस के लिए। ये था बेसिकली उसी का क्लास। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप अगर ज्वाइन किया है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो लेट्स मीट अगेन टुमोरो विथ अनदर वन क्लास विथ स्टॉक रिमूवल प्रोसेस। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।